तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मधुमक्खी अब काटेगी, लेकिन वो हमला कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोज्यूथ नेचर यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल पवार और आज हम निकालने वाले हैं मधुमक्खी का छत्ता जो कि इस इमली के पेड़ पर है, जो कि बहुत ही ऊपर है, तो हम उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि आज के वीडियो में कुछ नया होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दीजिए। तो दोस्तों आज हम इस मैरीगोल्ड के पत्तों का अपने शरीर पर लगाने वाले हैं क्योंकि लोग कहते हैं इसे लगाने से मधुमक्खियाँ काटती नहीं। तो हम आज लगा के देखेंगे अगर इसे लगाने से मधुमक्खियाँ काटती या नहीं काटती, तो वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इन पत्तों को अपने हाथों पे लगाना। अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। तो चेहरे को भी लगा लिया, अब इन फूलों को भी लगा लेता हूँ। एक को कान पर रख लेना, रख लेना, सिर पर रख लेना, कान पर। ठीक है, एक को कान पे रख लेता हूँ और अपने चेहरे को भी लगा लेता हूँ। और इसके बाद हम ऊपर चढ़ते हैं इमली के पेड़ पर। इमली के पेड़ पर चढ़ने में बहुत ही दिक्कतें आती है क्योंकि उसकी छोटी छोटी डालियाँ परेशानी में डाल सकती है आपको ऊपर चढ़ने में। चलिए हम ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन अब मधुमक्खी का छत्ता निकाल के देखते हैं। अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों हमारे ठीक 2 मीटर आगे मधुमक्खी का छत्ता है, तो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ मधुमक्खी का छत्ता। पास से लेना। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से मधुमक्खियाँ बैठी है। एपिस फ्लोरिया प्रजाति की मधुमक्खी है दोस्तों, देखिए किस तरह से बैठी हुई है, और उनमें थोड़ी हलचल भी चल रही है। देखिए हिलाओ मत पीछे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी मधुमक्खी होती है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे इलाके में पाई जाती है, एपिस फ्लोरिया। देखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ कैसे किस तरह से अटैक करने में आई हुई, देखिए देखिए वो हमारी तरफ आ रही है। हम डाली को थोड़ा सा हिला रहे हैं, देखिए अपने हाथों से, देखिए देखिए मधुमक्खियाँ मेरी उंगली की तरफ बढ़ती हुई। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मधुमक्खियाँ अब काटेगी, लेकिन वो हमला कर रही है। दोस्तों इसके अंदर शहद बहुत ही थोड़ा है, लेकिन काफ़ी है हम तीनों के लिए। मधुमक्खी ने तो काटा नहीं, बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों, इमली का पेड़ काफ़ी सख्त होता है, इसलिए इसकी डाली हमसे टूट नहीं रही। दोस्तों देखिए, तोड़ लिया हमने मधुमक्खी का छत्ता। देखो, शहद से पूरी तरह से भरा हुआ, जो कि मैं कैमरामैन के पास देने वाला हूँ, लीजिए। और मधुमक्खी के जो कि अंडे होते हैं, वो मैं वही उन्हें सौंपने जा रहा हूँ वापस। रख दो उन अंडों को वहाँ पर, वो निकाल लेगी उन अंडों को। तो दोस्तों देखिए, ये है मधुमक्खी के बच्चे, जो कि मैं वही वापस रखने वाला हूँ। किसी डाली में इसे फंसाना होगा ताकि वो अपने बच्चों को निकाल के दूसरी जगह ले जा सके और अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, फाइनली हमने निकाल लिया है मधुमक्खी का छत्ता। तो देखिए, शहद से पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर थोड़ा सा भरा होता तो इसे वो अपनी वैक्सिंग कर लेती, या इसे शुरू कर दिया था वैक्स लपेटना और पूरी तरह से पैक कर देती, और यह आका जो खुला रहता, जो कि उसके न्यूबॉर्न जो मधुमक्खी के बच्चे रहते हैं, वो आके शहद को खाते। दोस्तों, हमने इन फूलों का और इसके पत्तों का इस्तेमाल किया ताकि मधुमक्खी काट ना सके। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, इसका इस्तेमाल करने पर भी मधुमक्खियाँ काटती ही है, अगर हो ज़्यादा एग्रेसिव हो तो। ये नया नया छत्ता था, इसलिए इसके अंदर से जो मधुमक्खी के बच्चे आए वो ज़्यादा काटते नहीं। अगर मधुमक्खी बहुत ही, मतलब कि बहुत ही 20 या 25 दिन की मधुमक्खी हो गई हो, तो वो ज़रूर काटेगी आपको। तो इस तरह का इस्तेमाल आप ना करें, और अपनी सेफ्टी रखें, धुएं का इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियों को तकलीफ ना दे। दोस्तों, ये बात बताने के लिए हमने आपको वीडियो एंड तक देखने को बोला था। अगर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा तो वो आपकी रिस्क है। अगर आप बिना पूरा वीडियो देखे अगर शहद निकालने गए तो मधुमक्खियाँ काटते, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हमने बता दिया कि ऐसा कुछ ना करें ताकि मधुमक्खियाँ आपको काटे ना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको हर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज मैं डिब्बा लेकर आया था शहद को घर ले जाने के लिए, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता ही बहुत ही छोटा था, अच्छी तरह से भरा था लेकिन छोटा था, इसलिए मैं उसे घर नहीं ले जा सका। तो अगले वीडियो में देखेंगे।